हेलो दोस्त, पिटर पैटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, तो अभी तक हमने जो अयस्क के द्वारा पिग आयरन और हमने कास्ट आयरन बना लिया है, तो आज मैं तीसरा आयरन बनाने वाला हूँ, उसे हम रॉट आयरन कहते हैं। तो दोस्त, क्रमानुसार हम रॉट आयरन को एक एक करके समझेंगे कि रॉट आयरन में क्या क्या होता है। तो रॉट आयरन के हम तीन पॉइंट पर बात करेंगे दोस्त। जो हमारे तीन पॉइंट होते हैं, वो तीन पॉइंट ये रहेंगे हमारे। सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा हमारा दोस्त, पहला पॉइंट हुआ रॉट आयरन का, उसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट हुआ उत्पादन, कि हम किस प्रकार से रॉट आयरन का उत्पादन करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा हुआ गुण, कि उस रॉट आयरन में कौन कौन से गुण होते हैं। और तीसरा हमारा काम रहेगा कि रॉट आयरन जो रहता है, उसका क्या क्या हम उपयोग करते हैं। तो दोस्त, हमारा जो पुराना वीडियो था, उसमें हमने कास्ट आयरन पिग आयरन के बारे में अच्छे से बता दिया है। अब हम आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें रॉट आयरन का उत्पादन पढ़ना है। तो दोस्त, जो रॉट आयरन का उत्पादन होता है, वो उस भट्टी का नाम होता है कुंडलिंग फर्नेस। तो जो हमने बनाई हुई है, ये पूरी की पूरी जो भट्टी बनी हुई है, ये उस भट्टी बनाई है, ये कुंडलिंग फर्नेस बनाया है। तो इस कुंडलिंग फर्नेस में हमें बताना है कि किस तरीके से हमारा काम होता है। तो इस कुंडलिंग फर्नेस का एक क्वेश्चन तो दोस्त यहाँ पर बन के तैयार हो जाता है कि जो रॉट आयरन का उत्पादन होता है, ये रॉट आयरन बनता है, ये रॉट आयरन का निर्माण किस भट्टी के द्वारा होता है। तो हमारा जो रॉट आयरन का निर्माण होता है, वो कुंडलिंग फर्नेस के द्वारा होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। अब इस भट्टी का नाम कुंडलिंग फर्नेस कैसे है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इसमें जो हमारा ये हर्थ होता है, ये भट्टी का जो हर्थ होता है, हर्थ, इसे हम कुडल कहते हैं। अर्थात ये जो भाग रहता है जिसमें हमने ये मटेरियल को रखा गया है, इसे कुडल कहा जाता है। तो इसको हम चाहें तो इधर कुडल भी लिख सकते हैं। तो जो जहाँ पे हम लोहे को गर्म करते हैं, इस भाग को हम कुडल कहते हैं। अर्थात ये कुडल जो होता है, इसे हर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि जिस भाग पर जहाँ पर हम गर्म करते हैं, अर्थात जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है, उसे हम हर्थ या कुडल के नाम से जानते हैं। इसलिए इस भट्टी का नाम जो होता है, इसे हम कुंडलिंग फर्नेस कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो भट्टी का नाम होता है, वो कुंडलिंग फर्नेस का मैंने बता दिया कि इस भाग को हम हर्थ या कुडल कहते हैं, इसलिए कुंडलिंग फर्नेस होता है। तो हमारा रॉट आयरन का निर्माण जो होता है दोस्तों, कुंडलिंग फर्नेस से होता है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अर्थात इसमें जो लोहा बनता है, वो रॉट आयरन बनता है, यानी कि शुद्ध लोहा होता है। तो इसके शुद्ध लोहा क्यों होता है, अर्थात इसमें कुडल में रख के कैसे हम गर्म करते हैं, मैं बता देता हूँ क्रमानुसार एक एक करके। देखिए, इसमें जो ये प्लेस होता है, ये प्लेस होता है, ये हमारा आग जलने का प्लेस होता है। इस ईंधन में आग जलती है। इस प्लेस में जहाँ मैंने सर्किल बनाया है, यहाँ पर आग जलती है। तो ये आग जलाने के लिए इसमें कोक या कोयले का उपयोग करते हैं। यहाँ पे जो आग जलती है, यहाँ पर कोयले का उपयोग किया जाता है। मैं इधर से दिखा देता हूँ आपको, ये जो प्लेस है, इस जगह पर कोयला जलता है, कोक लिखा हुआ है। कोक यानी पत्थर का कोयला हम इधर रखते हैं। और इसमें ये भी लगभग पाइप दिखाई दे रहा है, ये पाइप है। इस पाइप से हम हॉट एयर प्रवाहित करते हैं, अर्थात इसमें गर्म हवा को प्रवाहित करते हैं। तो जब हम इसके अंदर गर्म हवा को प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पे आग बहुत तेजी से आग जलती है, और बहुत तेजी से आग जलती है। ये इधर से बंद कर दिया जाता है। जब इसमें हम कोयला डाल देते हैं, तो इस द्वार को हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। कोयला डालने के बाद ये द्वार बंद कर देते हैं, यहाँ पे आग जलाते हैं। तो जब यहाँ पे आग जलती है, तो आग इधर से ऐसे, जैसे मैंने रेड बताया, इधर पे झुकती है। इधर पे हमारा भट्टी का हर्ट होता है। जैसे मान लीजिए हमने हर्ट लिखा है, इसको हम हर्ट समझ लेते हैं, हर्ट। तो हर्ट का मतलब दिल, ये भट्टी का दिल होता है। इधर भी जो हमारा मटेरियल होता है, ये मटेरियल रखा रहता है। अब मटेरियल कौन कौन सा इधर रहता है, मैं बता देता हूँ। रॉट आयरन बनाने के लिए हम कास्ट आयरन या पिग आयरन की स्क्रैप, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों का उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे मान ली हमारा कास्ट आयरन है, जो हमने दूसरे स्क्रैप में बनाया था, तो हम इधर कास्ट आयरन रख सकते हैं। यदि हमारे पास कास्ट आयरन नहीं है, तो हम पिग आयरन रख सकते हैं। तो कास्ट आयरन या पिग आयरन की स्क्रैप को हम इस हर्ट में, हर्ट यानी कि हर्थ में या कुडल में, ये तीन नाम आप याद कर लीजिए, हर्थ है, कुडल है, हर्ट है। तो ये भट्टी के हर्ट में हम रख देते हैं। तो जब इधर से हमारी जो आग बनी हुई थी, हमारी आग इधर से आएगी, तो इस मटेरियल को एकदम गर्म करेगी। इस हर्थ में जो मटेरियल हमारा भरा हुआ है, इसे चार्जिंग मटेरियल कहते हैं। चाहे तो हम इसको चार्जिंग मटेरियल भी इसको हम कह सकते हैं, चार्जिंग मटेरियल। जिस तरीके से आपने दूसरी भट्टियों में समझा होगा कि जो चार्जिंग मटेरियल होता है, वो हम इधर पर रख देते हैं। तो इधर से हमारी जो कोयले के द्वारा जो आग बनी, इधर से गर्म हवा हमने प्रवाहित की, तो ये आग गई, आग ने मटेरियल को, चार्जिंग मटेरियल को गर्म किया। तो जब ये गर्म होता है, तो ये एकदम पिघल जाता है, लिक्विड अवस्था में आ जाता है। तो लिक्विड अवस्था में आ जाता है, तो इधर से टेप होल होता है, ये टेप होल होता है। टेप होल को हम बोलते हैं, इधर से टेप होल दिखा हुआ है। टेप होल से हम उस मटेरियल को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। हर्थ में जो भरा हुआ रहता है लिक्विड अवस्था में,
अब इसमें एक बात ये उत्पन्न होती है कि ये लोहा जो रहता है इतना अच्छा शुद्ध कैसे हो जाता है, जितना अच्छा हमारा ब्लास्ट फर्नेस में और पुडलिंग सॉरी कपूला फर्नेस में इतना शुद्ध नहीं होता, जो भट्टी मैंने आपको पहले बताई है। जैसे मैंने पीआरएम बनाया था वो ब्लास्ट फर्नेस में बनाया था, और कास्टर्न बनाया था वो कपूला फर्नेस में बनाया था, तो उन भट्टियों में इतना अच्छा लोहा शुद्ध क्यों नहीं हो रहा था। तो इस भट्टी में जो हमारा रहता है ये पुडलिंग फर्नेस जो हमारी होती है पूरी बनी हुई है, पुडलिंग फर्नेस में आप देखिए आग अलग जगह जल रही है, यानी कि कोयला हमारा अलग जगह है और हमारा लोहा अलग जगह है। तो हमारा कोयले का कोक का और ये हमारे लोहे का एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारा ईंधन जो है वो अलग जगह है, ईंधन जो हमारा अलग जगह है और हमारा लोहा अलग जगह है। तो इससे क्या होगा, हमारा कोयले के जो खराब तत्व होंगे वो हमारे इसमें लोहे में नहीं मिल पाएंगे, अर्थात कोयले के जो दुष्प्रभाव होंगे वो कोयले में हमारे लोहे में नहीं आ पाएंगे, तो कोयले की दर आग ही जाएगी, यानी कि आग के द्वारा केवल हमारा लोहा गर्म होगा, कोयला उसमें मिक्स नहीं होगा, इसलिए इसमें अशुद्धियां अधिक नहीं हो पाएंगी। ये दोस्त आपको समझना पड़ेगा कि हमारा कोयला जो हमारी दूसरी भट्टियां थी उसमें कोयले को हम लोहे के अंदर ही मिला देते थे, जिस प्रकार से ब्लास्ट फर्नेस में हो रहा था और कपोला फर्नेस में हो रहा था, इसमें हम कोयले को लोहे में नहीं मिलाएंगे, कोयले को हम इधर अलग से जलाएंगे, तो इसमें जो इसकी खराब तत्व होंगे कोयले के वो अलग से इधर से हम निकाल लेंगे, अलग से इनको हम अलग कर लेंगे। इसमें जो आग जाएगी, आग हमारे केवल जो प्योर आग जाएगी वो प्योर आग हमारे इस लोहे को गर्म करेगी, और इधर से ये आग जाके इधर से हमारे ऊपर के द्वारा ये जो हमारी चिमनी रहती है चिमनी के द्वारा आग बाहर निकल जाएगी। इसमें देख लीजिए इसमें जो चिमनी के द्वारा हमारी आग गर्म करके इधर से आग जा रही है चिमनी से इधर बाहर निकल रही है ऊपर, इस तरीके से आग ये ऐसे जाती है वो इस तरीके से बाहर निकल जाती है, इस रास्ते से जो आग होती है ऐसे बाहर निकल जाती है। तो इसमें जो है आग निकालने के लिए इधर एक कंप्रेसर लगा होता है जिसे हवा डैम्पर कहते हैं, जो हवा डैम्पर रहता है हवा डैम्पर इधर से जो हवा देता है, तो ये आग इधर से निकल के इधर से ये एरो बना दिया है मैंने, इधर पे एरो से ये हवा देता है, तो ये आग जो है इधर से गर्म करके इस लोहे पर काम करके वो इधर से जाके इधर से आग क्या हो जाती है निकल जाती है। तो इसमें जो हमारे कास्ट आयरन में सिलिकन मैंगनीज और कार्बन जो तत्व थे अधिक मात्रा में थे, पिग आयरन में भी अधिक मात्रा में थे, कास्ट आयरन में भी अधिक मात्रा में थे, तो हमारी इस भट्टी के द्वारा जो हमारी आग जाती है प्योर आग जाती है, तो इससे हमारे कार्बन सिलिकन मैंगनीज और फास्फोरस जो तत्व होते हैं वो तत्व इससे क्या हो जाते हैं बाहर निकल जाते हैं, स्लैब के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इसमें एक स्लैब होल भी रहता है, जब ऊपर स्लैब होल होता है इससे पहले स्लैब को हम निकालते हैं, ये स्लैब होल होता है, स्लैब को हम ऊपर जो तैरने लगता है उसको हम अलग निकाल लेते हैं, और नीचे पे जो टेप होल होता है उससे हम रॉड आयरन को निकाल लेते हैं। तो रॉड आयरन में जो कार्बन सिल्वर मैंगनीज और फास्फोरस की जो तत्वों की मात्रा अधिक होती है जिससे हमारा लोहा खराब होता है, अर्थात उसमें जो गुण हमें चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पुडलिंग फर्नेस रहता है, इस पुडलिंग फर्नेस में हम आग को दूसरी जगह जलाकर लोहे को केवल गर्म करके ओनली वन गर्म करके पिघला करके उसकी अशुद्धियों को हम अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर्थ में हमने रखा जाता है। तो दोस्त ये सारे पॉइंट आपने समझ लिए होंगे। इस तरीके से हमारा जो पहला पॉइंट होता है उत्पादन वाला, हमने रॉड आयरन का उत्पादन कर लिया है, ये जो हमारी भट्टी है ये कुलिंग फर्नेस। इसके बाद हमें इसका समझना है गुण कि रॉड आयरन में कौन कौन सा गुण होता है। तो दोस्तों हमारा रॉड आयरन में सबसे अच्छा जो गुण होता है, इसमें जो गुण में हम बता देते हैं कि इसमें गुण है 99.9% लोहा होता है, 99.9% इसमें लोहा होता है। तो इसे आपको याद करना पड़ेगा कि रॉड आयरन में कितना लोहा होता है, तो इसमें 99.9% इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो जब इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है तो हमारा ये लोहा सॉफ्ट होता है, एक गुण इसका हो जाता है सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है तो मैलेबल होता है, मैलेबल अर्थात उसको चद्दर के रूप में हम फैला सकते हैं, डक्टाइल होता है। डक्टाइल क्यों होता है, क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा अधिक है, इसमें कार्बन सिलिकन और मैग्नीज सल्फर की मात्रा कम है, इसमें बिटल लेस कम होती है। तो लोहे में हम ये कह सकते हैं सबसे हमारा जो शुद्ध लोहा होता है वो शुद्ध लोहा हमारा रॉड आयरन होता है, क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा 99.9% होती है। ये डक्टाइल होता है, दूसरा मैलेबल होता है, अर्थात ये जो लोहा शुद्ध अवस्था में होता है तो उसकी हम फोर्जिंग भी कर सकते हैं। ना फोर्जिंग करने का मतलब इसको हम गर्म करके हम इसको निहाई पर रखकर हथौड़े के द्वारा पीट पीट के इसको फैला सकते हैं, इसलिए दोस्त हम रॉट आयरन को पिटुआ लोहा भी कहते हैं। दोस्त आपको याद करना पड़ेगा कि रॉट आयरन को हम पिटुआ लोहा कहते हैं, क्योंकि इसे हम पीट सकते हैं। इसकी ये किसका एक अवगुण होता है, इसकी हमें ढलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको जब हम इसको किसी भट्टी में पिघलाते हैं तो ये उतनी लिक्विड अवस्था में नहीं आता है, अर्थात उतनी द्रव अवस्था में नहीं आता है पानी की तरह,
जितना कास्ट आयरन और दूसरे आयरन आ जाते हैं। तो रॉड आयरन की क्या है, जो संकीर्ण पार्ट होते हैं या छोटे छोटे पार्ट होते हैं या जिनकी क्रिटिकल डिजाइन होती है उसकी ढलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका पेस्ट अवस्था में पिघलता अर्थात ये एकदम पेस्ट के रूप में पिघल पाता है, जो लिक्विड अवस्था में नहीं आ पाता है। तो इसका एक और भी मैंने अभी बता दिया है कि इसको यानी कि हम इसकी ढलाई इतने अच्छे से नहीं कर सकते, इसकी पिटाई कर सकते हैं, इसलिए हम इसे रॉट आयरन को पिघला नहीं देते हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हमें याद करना पड़ेगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1600°C। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि रॉट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1600°C। तो इसके गुण आप चार पांच मैंने बता दिए हैं, मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, कंपीट सकते हैं, सबसे शुद्ध लोहा होता है, 99.9% लोहा होता है, और इसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 1600°C होता है। इसको हम कुंडलिंग फर्नेस से बनाते हैं, मैंने इसकी गुण बता दिए हैं। लेकिन इसमें एक और बात मुझे बतानी है कि 99.9% जब इसमें लोहा होता है जिसका बचा 0.1%, इसको हम 100 में से माइनस करेंगे तो 100 में से माइनस करेंगे तो इसका 0.1% बचा। तो इसे 0.1% में इसमें थोड़ा थोड़ा जैसे 0.5% इसमें 0.05% कार्बन हुआ, 0.02% सिलिकन हुआ, 0.03% मैंगनीज हुआ, 0.01% फास्फोरस हुआ। तो इस तरीके से इसमें 0.1% में सारे तत्व होते वो आ जाते हैं। तो इसमें उन तत्वों की मात्रा कम हो जाती है, कार्बन सिलिकन मैंगनीज 0.1% में सारे रहते हैं, 0.05, 0.03, 0.02। तो इस तरीके से दूसरे तत्वों की मात्रा कम हो जाती है, इसमें शुद्ध लोहा हो जाता है। तो मैंने दूसरे नंबर पर इसका गुण बता दिया है, तीसरे नंबर पर मैं इसका उपयोग बता देता हूँ। इसमें जब ये शुद्ध लोहा होता है तो इसकी टेनासिटी और टफनेस बढ़ जाती है, इसकी टफनेस होता है। टफनेस का मतलब उसको हम कितना ही ट्विस्ट करें तो टूटता नहीं है, और ये झटकों को भी सहन कर लेता है। तो इसके द्वारा जो रॉट आयरन के द्वारा होता है, तो रॉट आयरन के द्वारा हम चेन रिवेट हुक क्रैंक का जो हुक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रॉट आयरन के द्वारा क्रैंक का हुक बनाया जाता है, क्योंकि इसमें रॉट आयरन में खिंचाव शक्ति अर्थात टेनासिटी का गुण बहुत होता है। तो हुक बनाया जाता है, चेन बनाया जाता है, रिवेट बनाया जाता है, रिवेट को पीट पीट के लगाते हैं, तारे बनाते हैं, जंजीर बनाते हैं। तो दोस्त ये रॉट आयरन का इस तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। यदि आपको कोई भी रॉट आयरन में प्रॉब्लम हो या कोई भी उपयोग समझ में ना आ रहा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको हमारा ये कुल्डिंग फर्नेस जो है ये कुल्डिंग फर्नेस अच्छे से आपको समझ में आ गया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके से मैं आज भी आगे वीडियो डालता रहूँगा और आपकी तैयारी करवाता रहूँगा। आप जरूर जरूर सक्सेस होंगे। ओके, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।